नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम निरंतर उन शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनको सुनना शायद आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ जनपद मिर्ज़ापुर के तेज तर्रार युवा नेता समाजवादी पार्टी के नसीम कुरैशी जी मौजूद हैं और हम नसीम कुरैशी जी से तमाम उन ज्वलंत समस्याओं पर बात करेंगे जो तमाम राजनीतिक दलों के अलावा जन सामान्य का भी प्रश्न है। सर, स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर news.com में आपका। सर, लोग जानना चाहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के पास कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आगामी विधानसभा में वो लोगों के सामने रख पाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास तो इस बार मुद्दों का अंबार है। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में जो वादा करके आई थी, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो कि हर राजनीतिक पार्टी का रीढ़ होता है, वो अपने मैनिफेस्टो में मुझे लगता है कि 10% भी उसको लागू नहीं कर पाए हैं। हम सबसे पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जी भी बार बार कहा है मीडिया के माध्यम से, मैं भी कह रहा हूँ कि अभी तक 4.5 साल लगभग हो गया, 3 महीने बचे हैं चुनाव होने को, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अभी अपने मैनिफेस्टो को 10% भी लागू नहीं किया है। उनके मैनिफेस्टो को लेकर हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि बताइए, आपने जो वादा किया था क्या उसको पूरा किया? कौन सा वादा है जो अभी रह गया है आपके हिसाब से? तमाम वादे हैं, मैं बता दूंगा आपको। जैसे उन्होंने कहा था कि लैपटॉप बांटेंगे, उन्होंने कहा था, योगी जी ने कहा, मैनिफेस्टो में भी था कि डाटा, कई GB डाटा भी देंगे, लैपटॉप भी देंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे। शिक्षा पर कितना काम हो रहा है, आप लोग गली गली शहर शहर घूम रहे हैं, आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि शिक्षा पर कितना काम हो रहा है, स्वास्थ्य पर कितना काम हो रहा है। स्वास्थ्य, ये कोरोना काल आ गया, कोरोना काल चला भी गया, आज देखिए डेंगू मलेरिया जिस तरीके से फैला हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का जो हाल है, आप लोग टीवी के माध्यम से पब्लिक को दिखा रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी इस बार पब्लिक के बीच में जाएगी और पब्लिक के बीच में जाएगी और अपनी बात रखेगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में वोट मांगेगी। सर, आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर में बना है, क्या ये सब आपको बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता ये सब चीज़ें? नहीं, इत्तफाक रखता है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने किया था। मिर्ज़ापुर में भटौली पुल, चुनार पुल भी समाजवादी पार्टी की ही देन है। मैं आपको बताता चलूँ, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के सेतु मंत्री, PWD मंत्री श्री मौर्य, क्या नाम उनका, केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे मिर्ज़ापुर में, उन्होंने कहा था कि शास्त्री सेतु के पैरेलल 6 महीने में हम एक पुल बना देंगे, जो कि मिर्ज़ापुर की सबसे बड़ी समस्या है शास्त्री सेतु, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। तो ये आपको लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है जिसका फैसला जनपद मिर्ज़ापुर के लोग करेंगे? बिल्कुल, जनपद मिर्ज़ापुर के लोग तो करेंगे और उत्तर प्रदेश के भी लोग करेंगे। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बताता चलूँ, कल अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हज कमेटी और उर्दू अकादमी कमेटी में कुछ मेंबरों की घोषणा की है। 4.5 साल तक उर्दू अकादमी की चिंता नहीं थी, हज कमेटी की चिंता नहीं थी, 3 महीने जब बचे उन्होंने कल घोषणा की है, जो मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खुद तो वो मुख्यमंत्री 5 साल रहे, नारा लगाया सबका साथ सबका विकास, विकास तो तब होगा जब संपूर्ण व्यवस्था मिलेगी, लोगों को हक अधिकार मिलेगा, तब ना विकास होगा। कुछ चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की आपके हिसाब से सराहनीय हैं या कुछ भी नहीं किया उन्होंने? उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय बातें कि झूठ बहुत बोलते हैं ये, और लगभग 8.5 हज़ार एनकाउंटर, ये कहते हैं कि अपराध मुक्त, लोग देखते ही इनके पार्टी के नेताओं को भय युक्त हो जाते हैं, अरे यार भाजपा वाला आ रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को एक महिला रोड पर मोटरसाइकिल पे पकड़ के वो अपना पैसा मांग रही थी कि मेरा पैसा लिए हो, भर्ती के नाम पे नौकरी नहीं रखवाए। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, ये जनपद पश्चिम साइड कहीं का था, वो वीडियो वायरल हुआ, मेरे मोबाइल में भी है। कभी कभी वीडियो सर फेक भी होता है, क्या उस पर आपको भरोसा इतना खुल के करना चाहिए? हाँ, वीडियो फेक भी होते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बहुत से मामले ऐसे आए हैं
आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर जी, उनको तो आजीवन सजा भी हो गई, ये आपके सामने है, इसको तो आप फेक नहीं कह सकते। सर, कुछ मुद्दे आपके जनमिन हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था है आपकी कि आप सपा के हैं इसलिए भाजपा कहीं से आपको जो है समझ में नहीं आता? मैं सपा का तो हूँ, समाजवादी पार्टी की जो 2012 से 17 की सरकार थी 5 सालों की, आपने देखा, पब्लिक ने देखा, लैपटॉप हमने दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के काम में 1 रुपये के पर्चे पर दवा और लगभग 100 कुछ जांचें होती थी, अल्ट्रासाउंड 100 रुपये में होता था, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, यूपी 100, इकाना स्टेडियम, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। और स्वास्थ्य विभाग में एक योजना का नाम बता दूं मैं, एक योजना थी भरोसा करके जो गर्भवती महिलाओं के लिए थी, कि बहुत सी योजनाएं आप लोगों ने चलाया है, पब्लिक ने देखा है, और मैं आशा करता हूं कि इन्हीं योजनाओं के आधार पर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, पूरा पब्लिक से कहेंगे कि समाजवादी सरकार लाएं, समाजवादी सरकार बनाएं, मेरा निवेदन रहेगा पब्लिक से। नसीम कुरैशी जी निसंदेह युवा समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता बताए जाते हैं जनपद मिर्जापुर में, और व्यापार सभा से भी जबरदस्त ताल्लुक रखते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, तमाम निवेश के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया और कहा गया कि 60,00,000 करोड़, 70,000 करोड़ का ये कह लीजिए जुमला दिया गया, और अभी तक कहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि व्यापार में नहीं, मैं उस फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ, कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी LIC जो है कुछ हिस्सेदारी बिकने को है, रेलवे का कुछ हिस्सेदारी बिकने को है, तमाम ऐसे जो सरकारी सेक्टर थे उसकी हिस्सेदारी जो बेचने की बात की जा रही है, वो आपको लगता है कि देश हित में है? देखिए, देश हित में तो नहीं है, जो बेची जा रही है या जो बातें सामने आई हैं कि बिक गई है बेची जा रही है, आप देख सकते हैं वो बेची नहीं जा रही है। जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं उनका बयान आता है कि ये सेक्टर हम निजी हाथों में दे रहे हैं, निजी का मतलब आप समझ सकते हैं, जो उनके लोग हैं उनके हाथों में दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि कोई भी ले सकता है, सिर्फ उन्हीं के लोग क्यों है, वो तो सार्वजनिक इशू है। नहीं, कोई भी ले सकता है, बात आपकी सही है, किसी को लेने के लिए आप टेंडर तो कराया नहीं, और मेरा एक सुझाव भी है भारत सरकार को, ये टेंडर कराएं और EMI सिस्टम कर दें, जैसे बैंक में तमाम EMI सिस्टम चलता है, तो मैं भी दावा कर सकता हूं कि मैं भी कुछ ले सकता हूं जो निजी हाथों में। तो आपने देखा कि जिस तरीके से नसीम कुरैशी जी ने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी है, निश्चित रूप से मिर्जापुर नगर ही नहीं समूचे जनपद में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।